हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमर पवार वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि रहेगी हमारी स्टिचिंग की, और जो हमने सूट रेडी किए हैं, अगर आपको उनमें से कोई पसंद आता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास भेज सकते हैं। आज के जो हमारे सूट हैं सारे हमारे बाहर वाले कस्टमर के ही हैं। इनमें से आपको कोई सूट पसंद आए आप उसको स्टिच करा सकते हैं। उसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फैब्रिक चाहिए, तो आप हमसे वो इन्फॉर्मेशन फैब्रिक ले सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। और जैसा कि पता है स्टिचिंग क्लासेस हमारी नेक्स्ट मंथ से बेसिक का स्टार्ट हो जाएगा। जिसको भी एडमिशन लेना है आप एडमिशन ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पे आप उसके बारे में भी कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट आज का ना करते हुए अच्छी अच्छी ड्रेसें जो हमने रेडी की हैं आपके साथ हम वो शेयर करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा, आप देख सकते हैं, ये हमने शॉर्ट कुर्ती रखी है, इसको हमने पैडेड बनाया है, और ये हैंड एम्ब्रॉयडरी हमने इस पे कराई है, जो कि साइड में इस तरीके से आती है और ये कराई है। इस पर हमने दबके का काम कराया है और विथ थ्रेड का, और जो इसमें थ्रेड आप देख सकते हैं लेवेंडर कलर, डार्क कलर का जो है उसी कलर की हमने इसमें दुपट्टा कंट्रास्ट में रखा है। और ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी फुल, जो हाफ स्लीव्स है इसकी 3/4 उस पर ये वर्क कराया गया है। ऑर्गेंजा का ये फैब्रिक रहेगा, और बैक से हमने प्रॉपर डीप दिया है, जो कि आ जाएगा आपका 11 इंच का। आपको भी अगर इस तरीके से वर्क कराना है आप वर्क करा सकते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आएगा। और इसके साथ हमने ये रेडी की है स्कर्ट, जो कि जॉर्जेट के फैब्रिक में रहेगी, और ऊपर से इस तरीके से हमने इसमें गैदरिंग दे दी है, और फुल फ्लेयर की आपको स्कर्ट मिलेगी। और इसके साथ हमने ये ब्रॉड वाला ये हमने बॉर्डर इसमें यूज़ कर दिया है, जो कि डार्क कलर का हमने लेवेंडर के साथ कंट्रास्ट में दिया है, और इसके साथ हमने कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है। आप इसके साथ सेंटून की लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग, जो हमने इसको बनाया है 5.5 मीटर में हमने इसको रेडी किया है, आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको और हैवी कराना है इसमें आप 7 मीटर तक की फैब्रिक लगवा सकते हैं, और कम से कम इसमें 3.5 मीटर फैब्रिक जरूर लगेगा। ऑलराउंड इसमें इलास्टिक रहेगी, और इसके साथ हमने ये दुपट्टा रेडी किया है, जैसा कि बताया था एम्ब्रॉयडरी के साथ हमने डार्क कलर में ये चिनोन का दुपट्टा आ जाएगा, और इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाला ही आपको ये दुपट्टा मिल जाएगा। अगर आपको रेडी कराना है आप रेडी करा सकते हैं, अगर दुपट्टा चेंज करा के लेना चाहें तो दुपट्टा भी आप चेंज करा के ले सकते हैं, और प्राइस के लिए आप कम ज़्यादा करा सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग होता है। तो जिस तरीके की आप एम्ब्रॉयडरी कराएंगे उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस लग जाएंगे। और 4 साइड हमने ये वाली पतले वाली इसमें ये लेस ऐड कर दी है, 2.5 मीटर का पूरा हमने ये दुपट्टा रखा है। अगर इस तरीके से वर्क करा के आपको कोई ड्रेस रेडी करानी है, इसमें आपको ब्लाउज रेडी कराना है, चोली रेडी करानी है, या इस तरीके से शॉर्ट कुर्ती रेडी करानी है, या फिर आप कोई गाउन भी करा सकते हैं, और कलर आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस तरीके से ड्रेस आपको पसंद आती है, ऑर्डर देना है, तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। एक और सूट रेडी किया है जो कि मोडाल में आ जाएगा, मोडाल का ये फैब्रिक रहेगा, और इस पर जो हमने किया है स्कैलिप का पूरा काम किया है, और इसकी वीडियो हमने प्रॉपर यूट्यूब पे डाली है, अगर वो भी आप देखना चाहें, इसको सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं। इस पर हमने पेस्टिंग की हुई है, यहाँ पे कोई भी हेमिंग नहीं होगी आप देख सकते हैं, इससे क्या है प्रॉपर फिनिशिंग भी आती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। और कॉटन की लाइनिंग के साथ हमने इसको रेडी किया है, अंदर की तरफ जो हमने फिनिशिंग पट्टी दी है सेम बॉटम की ही दी है, जो हमने बॉटम का फैब्रिक इसमें यूज़ किया है वो इसकी स्कैलिप आ जाएगी। और ये वी नेक रखा है, वी नेक पे हमने अलग से ये पट्टी लगा के इसको रेडी किया है, बैक में राउंड आ जाएगा जो कि छोटा रहेगा, और 3/4 हमने स्लीव्स रखी हैं, स्लीव्स पे भी हमने ये थ्रेड वर्क किया है। आप एंकर के धागे से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास जैसे सिंपल वाला धागा होता है उसको 3-4 बार आप फोल्ड करके इसको रेडी कर सकते हैं। और इसके साथ जो हमने अफगानी सलवार रेडी की है, ये हमने अफगानी सलवार रेडी की है जो कि आपकी गैदरिंग की आ जाएगी,
और नीचे वही काम किया है जो हमने स्लीव पे और नेक पे किया है। ये हमने इसके अंदर फ्री करके ये लाइनिंग हमने इसमें ऐड की है। फ्री करने से क्या होता है, इसकी जो पहन के जो गेटअप आती है काफ़ी अच्छी आती है, अदरवाइज इसके साथ स्टिच कर देते हैं तो फिर ये यहाँ से इस तरीके से फोल्ड भी हो जाता है। तो इस तरीके से इसको फ्री रखा गया है। ऑल राउंड इलास्टिक डाली गई है और साइड में पॉकेट आ जाएगी। इसके साथ अगर किसी को दुपट्टा भी चाहिए, दुपट्टा रेडी करा के लेना है तो आप दुपट्टा भी रेडी करा के ले सकते हैं। और अगर किसी को ये वाला सूट भी रेडी करा के लेना है, आप इस सूट को भी रेडी करा कर ले सकते हैं। इसमें बॉटम अगर सेम आप कलर की चाहें तो सेम कलर की भी हो जाएगी, और अगर इसी तरीके से कलर कंट्रास्ट लेना है तो आप इस तरीके से भी कलर कंट्रास्ट ले सकते हैं, और आप डिज़ाइन भी चेंज करा सकते हैं। एक और सूट आ गया, ये कस्टमर का अपना ही था। इसको जो हमने रेडी किया है, सबसे पहले लाइनिंग की बताते हैं। इसमें हमने कॉटन की लाइनिंग दी है और इसके साथ हमने किनोर वाली लेस को हाफ इंची एक इंची आप छोड़ के इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने छोटी छोटी गैदरिंग दे दी है और बिना लाइनिंग की ये आपकी स्लीव्स रहेंगी, क्योंकि चिनोन का फैब्रिक है, विदाउट लाइनिंग ही आप इसकी बना सकते हैं। और बैक भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर हमने डीप रखा है और इसके साथ हमने ये वाली लेस ऐड कर दी है। और इसके साथ ये पैंट रेडी की है, सेंट्रल की पैंट आ जाएगी और पैंट पे भी हमने ये वाली इसके साथ किनोर वाली लेस ऐड कर दी है। आगे की तरफ बेल्ट आ जाएगी, बैक में इलास्टिक आ जाएगी और साइड पॉकेट रहेगी। इसमें जो भी आप पैंट बनाते हैं, अगर आप प्लाजो बनाते हैं इस तरीके से, और प्लाजो जैसे कि सबको पता है लूज रहता है, तो आप उस लाइनिंग को फ्री करके रखेंगे। अदरवाइज आप पैंट बनाते हैं तो इस तरीके से आप इसको स्टिच करके रखेंगे, जैसे हमने इसके साथ इसको ज्वाइंट कर दिया है। तो छोटी छोटी चीज़ याद करके आप अपनी ड्रेस को अच्छे से सूट को रेडी कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और ब्लाउज हमने रेडी किया है जो कि लॉन्ग लेंथ का है। तो अगर आपका ब्लाउज आपकी कमर से यहाँ तक, अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कराते हैं उसको 3 इंची के राउंड, जो कि आपका चोली बोला जाता है, चोली कट में आप रेडी कराते हैं, तो साइड में कट जरूर रखेंगे, अदरवाइज आपका ऊपर की तरफ जाएगा। और कट रखने से क्या होता है, साइड से खुलने से आपकी फिटिंग भी अच्छी आती है और प्रॉपर जहाँ आपका ब्लाउज है वहीं आपका ठहरता है बन के। और वी हमने इसमें नेक रखा है, पैडेड बनाया गया है, इसमें जो पैड लगाए हैं 8 इंच के पैड लगाए गए हैं, क्योंकि अगर आपका साइज 44 से ऊपर है या फिर 42 से ऊपर है तो आप उसमें 8 इंच का पैड लगाते हैं, और 45 से 46 से ऊपर है तो आप उसमें 8.5 इंच का पैड लगा सकते हैं। विदाउट लाइनिंग ये वाली स्लीव्स रहेंगी, नेट की हैं, और इस पर हमने आगे ये पाइपिंग लगा दी है। और बैक नेक भी देख सकते हैं आप, प्रॉपर डीप रखा गया है और बैक में हुक दे दिए गए हैं, और ये हैंडमेड टसल्स रहेंगी विद पाइपिंग। अंदर इसके पेस्टिंग की गई है प्रॉपर, और नेट में ही हमने ये डोरी रेडी की है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो। आप सबको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, सबको पसंद आई है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहेंगे। आज की वीडियो थैंक यू सो मच।